हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। समय गाइस, देखिए आज हम पानी से दही बनाना बताएंगे आप लोगों को। जैसा कि इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो काफी डाइट प्लान में पता चला है कि हमें अपने जो खाने में है उसमें विटामिन सी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो इस टाइम अगर लॉकडाउन हो जाता है काफी टाइम, जैसे सैटरडे एंड संडे को लॉकडाउन रहता है, तो दही रोज रोज आप नहीं ला सकते मार्केट से। तो घर में ही बिना दूध के दही कैसे बनाएं, बहुत इजी तरीके से हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। ये देखिए, एक कटोरी हमारा दूध पाउडर, मिल्क पाउडर, इसको हमने ऐड किया, इसमें डाला। और ये हमारा वार्म वाटर है जिसको हमने लिया हुआ है एक कटोरी, ठीक है। इसमें हम डालेंगे, मगर ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम ऐसे वाटर को इसमें डालेंगे जिससे कि गांठे भी ना पड़े और दूध हमारा एकदम फाइनली अच्छे से बन के जाए, ठीक है। और अगर एक आध गांठ पड़ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको छान लेंगे छन्नी से। तो इसको हम अच्छे से इसका दूध बनाएंगे। देखिए अभी हमने एक ही कटोरी डाली, जिस कटोरी से हमने दूध पाउडर लिया था बस उसी कटोरी से हमने पानी लिया है। तो इसको ऐसे करते हुए अच्छे से, जैसे ये गांठें दिख रही है इनको हम तोड़ देंगे अच्छे से। ये देखिएगा हमने इसको घोल लिया है अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हम अभी और डालेंगे आधा कटोरी पानी। ये देखिए पौन कटोरी पानी है लगभग, तो एक कटोरी दूध में हमने पौन कटोरी, आप कर लीजिए पौने दो कटोरी, या आप दो कटोरी भी कर सकते हैं, बट हमने पौने दो कटोरी लिया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मतलब दो कटोरी में थोड़ा सा कम, ठीक है। अब इसको हम देखिए क्या करते हैं। ये देखिएगा गाइस, एक हमने ले ली कढ़ाई अपनी, फ्लेम ऑन किया और इसमें दो स्पून हमने देखिए घी डाल दिया, जिससे कि दूध पाउडर है ना तो ये तली में चिपक जाएगा, इस वजह से ये घी को हम मेल्ट करेंगे और पूरी कढ़ाई में हम लगा लेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए घी हमारा पूरी कढ़ाई में ऐसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कि तली जो होती है वो तली में चिपके नहीं दूध पाउडर, ठीक है। और अब हम इसमें अपना ये दूध लेंगे और स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, जिससे कि इसमें जो गुठलियां होंगी ना वो इसे छन्नी में रह जाएंगी, तो ये आराम से हम इसको बाद में तोड़ के डाल सकते हैं। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि इसमें गुठलियां नहीं है। ये देखिए, अगर गुठलियां होती भी हैं तो आप इनको ऐसे करके फोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से फूट जाती है। तो अब इसको हम बॉयल करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको हम अच्छे से मिलाते हुए बॉयल कर लेंगे। ये देखिए गाइस, दूध को बॉयल करते समय आप इस तरह से हिलाते भी रहें, वरना तली में चिपक जाएगा तो स्मेल आने लगेगी, ठीक है। दूध पाउडर हमारा चिपक जाता है इसलिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे दूध में बॉयल आ चुका है, तो इसको एक मिनट बस बॉयल करेंगे, उसके बाद में ज्यादा नहीं कुछ करेंगे। और एक बात गाइस सॉरी, अगर हमारी आप लोगों के पास रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही है, पहले की जैसा कि बताया था हमने आप लोगों को कि हमारे घर में शादी का फंक्शन है, तो उसकी वजह से हम बिजी हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी वजह से हम डेली नहीं ला पा रहे हैं वीडियो, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन आ जा रही है वीडियो। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारी वीडियो देखते रहिएगा, जैसे ये काम खत्म होते हैं फिर हम आप लोगों से रेगुलर मिलेंगे। और देखते रहिएगा, पूरी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में हम उस एक कमेंट हमने बोला था ना कि जो हमारी वीडियो में कमेंट करेगा उसको आने वाली वीडियो में हम उसका नाम लेंगे, तो एक का हमने नाम निकाला है जो कि हम लास्ट में उसका नाम बताएंगे आपको लोगों को, जिन्होंने हमारी वीडियो पर सबसे पहले फर्स्ट कमेंट किया था। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये देखिए बॉयल हो चुका है, तो इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल समझ लीजिए आप दो मिनट को इसी तरह से, या तो आप ऐसे चम्मच स्पून से हिलाते हुए ठंडा कर लीजिए, और नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए ठंडा हो जाए, उसके बाद में हम इसको बताते हैं कि आगे क्या प्रोसेस क्या करना है। ये देखिए गाइस, 5 मिनट हो चुका है, देखिए इस तरह से उंगली लगा रहे हैं बट गर्म है अभी, ठीक है। इसमें
ऐसे तो टच कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कहो उंगली डाल ले तो इतना टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे जिसमें हमें जमाना है। ये देखिए गाइस, इसमें हमने ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए गाइस, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दही लिया हुआ है हमने, ठीक है, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे और इसको मिला के ढक कर रख देंगे अच्छे से जमने के लिए, ओके। ये देखिए गाइस, अब ठंडा हो चुका है, तो अब अपना इसमें हम ये दही जो है इसको ऐड करेंगे, जिससे कि अच्छे से हमारा दही जो है जम जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐड करेंगे और उसको ये फोड़ देंगे अब बिल्कुल, ठीक है, ऐसे फोड़ के मिला देंगे और ढक कर रख देंगे। ये देखिए, हमने दही मिला दिया इसमें अच्छे से, और अब इसको हम अच्छे से कवर करेंगे एक ढक्कन से। ये देखिए गाइस, इसको ऐसे अच्छे से कवर करके रख देंगे अब। अब इसको हम 5 से 6 घंटे बाद ओपन करेंगे, फिर देखेंगे दही जम चुका होगा। तो 5 से 6 घंटे बाद मिलते हैं। ये देखिए गाइस, 4 से 5 घंटे हो गए, कितना अच्छे से दही जम चुका है, तो आप देख सकते हैं। अब इसको बिल्कुल हिलाएंगे ढुलाएंगे बिल्कुल नहीं, ऐसे ही 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि हमारा हलवाई स्टाइल जमे, दही बिल्कुल थिक जम जाए, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, 2 से 3 घंटे हो चुका है और आप देख सकते हैं एकदम दही एकदम बढ़िया से जम गया है। आपको हम दिखाते हैं कट करके। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा दही जमा हुआ है, इतना टेस्टी दही है। फ्रिज में रखने की वजह से घी बन गया है और एकदम से, ये देखिए घी हटा देते हैं। ये देखिए कितना यम्मी दही जम के रेडी हुआ है, बिल्कुल अच्छे से थिक, देख सकते हैं आप। तो आज की हमारी ये रेसिपी, और इसमें आपको बस इतना ही करना है, इसमें जामन लगा के अच्छे से रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है। उसके बाद में जब दही हमारा पूरी तरह से जम जाए तब उठा के फ्रिज में रख देना है कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए, तो हलवाई जैसा इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बनेगा। अगर आपने जमने के बाद हिलाया डुलाया तो उसमें पानी बन जाएगा, और बिना हिले डुले ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए तो फिर पानी नहीं बनेगा। आप जैसे जिस दही में है देखिए, ठीक है, इस दही में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की हमारी ये रेसिपी, और जैसा कि हमने बोला था कि लास्ट में हम एक कमेंट का बताएंगे कि किसने हमें पहले कमेंट किया था, तो फिर वही बोलते हैं कि इसमें जिस इस वीडियो में जो भी पहले कमेंट करेगा उसका नाम हम अगले नेक्स्ट आने वाले वीडियो में लेंगे। गाइस एक बात और, हम इस समय जल्दी जल्दी वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि बताया भी है कि हमारे यहाँ शादी का टाइम है, इस वजह से वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। कोशिश करेंगे कि वीडियो लाते रहें। और आज हम जिनका नाम लेंगे वो है आरती जी। हाँ, पिछली उन्होंने हमारे खीरे के रायते में उन्होंने हमें कमेंट किया था, आरती जी हैं ये हमारी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया, कमेंट के लिए थैंक यू। और आने वाली इस वीडियो में कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।